शाहिद कपूर विजय सेतुपति और राशि खन्ना की न्यू सीरीज फर्स्ट दी जो अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। और वैसे तो मैं सीरीज को अवॉइड ही करता हूँ, नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि सीरीज बहुत ही लंबी होती है और यहाँ पर स्टडी के साथ यूट्यूब भी करना तो थोड़ा मुश्किल तो है। और इस सीरीज को मैंने खासकर विजय सेतुपति जी की वजह से देखा, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे एकदम ही बेस्ट लगती है और खासकर जो उनकी विक्रम मूवी में एक्टिंग थी एकदम ही बेस्ट, उसे देखकर तो मुझे ऐसा मजा आ गया, ऐसा लगा कि यही एक बेस्ट एक्टर है। जब मैंने विजय सेतुपति जी को पहली बार 96 मूवी की स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये हीरो है, और जब वो मूवी खत्म हो गई तो मुझे लगा था कि ये हीरो है। तो अब ठीक है, फर्जी सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, सभी 1 घंटे के आसपास के, और अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि इसका सीजन 2 भी आएगा। और इस सीरीज को देखने से पहले तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि तुम्हें इसको 8 घंटे देने हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो रहने दो फिर। शाहिद कपूर का मूवी में नाम है सनी, और सनी के नाना जी जो कि एक पत्रिका चलाते हैं, यानी कि एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है क्रांति पत्रिका। सनी के नाना जी क्रांति पत्रिका को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे कि सभी लोग इस पत्रिका को पढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो अपने काम में कामयाब नहीं गए। लेकिन उनको अपने काम में बहुत ही ज्यादा प्यार था, वो यही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बंद नहीं रखा। लेकिन हुआ यूं कि कोई पत्रिका लेता नहीं था, इस वजह से उनके पास पैसे आ नहीं रहे थे, इसी वजह से उन्हें कर्जा लेना पड़ा, और टाइम के चलते वो कर्जा चुकता भी नहीं कर पाए। इसीलिए अब तो वहां से इनको धमकी आ रही है कि पैसा आपको देना ही पड़ेगा, इसी वजह से अब कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना ही है। सनी के नानू एक कमाल के आर्टिस्ट भी थे, और इसी वजह से सनी भी एक कमाल का आर्टिस्ट था। तो अब उसके दिमाग में क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए एक खुराफाती आइडिया आता है, जिससे पैसों का जुगाड़ हो सके, वो ये कि नकली नोट बनाया जाए। अब सनी खुद आर्टिस्ट है और उनके पास क्रांति पत्रिका भी है, जहाँ पर वो न्यूज़पेपर बनाते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं, तो उनके पास प्रिंटर तो ऑलरेडी है जहाँ पर वो नकली नोट बना सकते हैं। और इस काम में उसका साथ यानी कि का साथ उसका फ्रेंड फिरोज और उसके चाचा थोड़े टाइम के लिए देते हैं। अब वो प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है कि क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए यानी कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए नकली नोट बनाई जा रही है, प्रॉब्लम वहाँ पर है जब इंसान की लालच जागती है और इंसान खुद सो जाता है। विजय सेतुपति जिनका मूवी में नाम है माइकल, और इस सीरीज में विजय सेतुपति जी ने उनकी खुद की ओरिजिनल हिंदी वॉइस दी है, जो मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। उनकी जो हिंदी वॉइस है वो डब्ड नहीं की गई। और राशि खन्ना जिनका मूवी में नाम है मेगा, जो माइकल यानी कि विजय सेतुपति जी के असिस्टेंट है, अब सनी और बाकी के जो लोग हैं जो नकली नोट बनाते हैं उनको पकड़ने का काम माइकल मेगा और उनकी टीम करती है। इस फर्जी सीरीज को स्टार्टिंग में देखते टाइम शायद तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि इस सीरीज को थोड़ा सा ज्यादा खींच दी है, लेकिन एंड आते आते ऐसा नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि इस सीरीज को देखने में मेरा टाइम बर्बाद हुआ, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि जो भी था देखने में मजा आया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस सीरीज को देखने से पहले तुम अपने दिमाग से रेडी रहना कि तुम्हें इस सीरीज को 8 घंटे का टाइम देना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इस सीरीज को जरूर से देखना, और अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें कैसी लगी ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना, और इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ मत ही देखना क्योंकि इस सीरीज में गालियां भी यूज की गई। और ये सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। और एक अच्छी बात है कि शाहिद कपूर, वो तो आपको पता है कि एक हिंदी एक्टर है, और विजय सेतुपति उनकी भी एक हिंदी वॉइस है, तो उसे देखकर तो मजा आया। ओवरऑल सीरीज अच्छी है, आप देख सकते हो, आपका अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर से देखना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। तो बस यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।